हेलो स्टूडेंट्स, श्री श्याम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी आरंभ हिंदी पाठमाला का चौथा अध्याय कराऊंगी, जिसका नाम है इंदु की समझ। इसमें एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है इंदु, उसकी समझ के बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय आज़ादी की लड़ाई जोरों पर थी, जंगे जंगे विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था। मतलब भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी और जो जंगे जंगे थे, विदेशी क्या होता है, दूसरे देश के जो वस्त्र होते हैं उनको जलाया जा रहा था। स्वदेशी वस्त्र तथा वस्तुएं अपनाने पर बल दिया जा रहा था। जो अपने देश के वस्त्र हैं या अपने देश की वस्तुएं हैं उनको अपनाने पर जोर दिया जा रहा था। इस सब का असर उस छोटी सी बच्ची पर भी पड़ा। घर में बड़ों की देखा देखी उसने भी विदेशी वस्त्र पहनना छोड़ दिया। जो घर में बड़े लोग थे उनको देखकर उस छोटी बच्ची ने भी जो विदेशी वस्त्र यानी दूसरे देश के वस्त्र थे उनको पहनना छोड़ दिया। उसके घर में उसकी उम्र का कोई बच्चा नहीं था, एक प्यारी सी गुड़िया ही उसकी दोस्त थी। वह उसे सदा अपने पास रखती थी, यानी उसकी उम्र का कोई बच्चा घर में नहीं था, उसके पास एक गुड़िया थी, वो उसके साथ ही खेलती थी, वही उसकी दोस्त थी। एक दिन उसके एक रिश्तेदार ने मजाक में कहा, जब तुम विदेशी फ्रॉक नहीं पहनती फिर विदेशी गुड़िया अपने पास क्यों रखती हो। उसके घर में कोई रिश्तेदार आया, उसने मजाक में बोल दिया कि तुम अगर बाहर दूसरे देश की फ्रॉक नहीं पहन सकती, तुम्हें दूसरे देश की गुड़िया क्या अपने पास रख रखी है। मजाक में कही गई बात बच्ची को चुभ गई। जो उसने मजाक किया था वो जो है उस बच्ची को बुरा लग गया। वह अपनी प्यारी गुड़िया को उठाकर छत पर गई और गुड़िया को उसने जला दिया। ऐसा करने पर उसे बहुत दुख हुआ। दुख का कारण क्या था कि गुड़िया एक उसकी एकमात्र सहेली थी, फिर भी उसने उसे संतोष था कि वह सही राह पर बढ़ रही है। उसने उस गुड़िया को छत पे जाकर जला दिया, जबकि वह उसकी एकमात्र सहेली थी, फिर भी उसे संतोष था कि वह सही राह पर चल रही है। यह बच्ची थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी। ये जो इंदु थी, इस बच्ची का क्या नाम था, इंदिरा प्रियदर्शनी, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। वे ही आगे चलकर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। ये जो इंदु थी छोटी बच्ची, ये आगे चलकर भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी। उनकी प्रसिद्ध इंदिरा गांधी के रूप में हुई। उनकी प्रसिद्धि किस रूप में हुई, किस रूप से उनको आगे चलकर जाना गया, इंदिरा गांधी के रूप में। बचपन में सब परिचित इंदिरा प्रियदर्शनी को इंदु के नाम से पुकारते थे। जब बचपन में जो इंदु थी उसको सब क्या बोलते थे, इंदु के नाम से पुकारते थे, और उसका असली नाम क्या था, इंदिरा प्रियदर्शनी। एक बार आनंद भवन में एक बैठक चल रही थी, जो उनका घर था आनंद भवन, उसमें एक बैठक चल रही थी। राष्ट्रीय स्तर मतलब राष्ट्रीय समाज के कई बड़े नेता जैसे महात्मा गांधी, पटेल, मौलाना आजाद आदि हुए थे। कौन कौन था इस राष्ट्रीय समाज में, राष्ट्रीय स्तर की बैठक में, महात्मा गांधी थे और पटेल, मौलाना आजाद आदि आए हुए थे। इंदु उनसे मिलना चाहती थी, नेहरू जी ने उसे प्यार से मना किया। क्यों मना किया, क्योंकि वो बड़ों की बैठक थी, इसलिए उन्होंने इंदु को मना कर दिया। नहीं इंदु, हमारे साथ बैठने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो। उन्होंने क्या कहा कि इंदु तुम अभी छोटी हो, तुम हमारे साथ अभी नहीं बैठ सकती। इंदु मन मसोस कर रह गई, यानी कि अपने मन को छोटा करके वो रह गई कि उसे नहीं बैठने दिया। बैठक शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद बहुत से पुलिस वालों ने आनंद भवन को घेर लिया। इंदु को समझने में देर ना लगी, यानी इंदु को ये समझने में देर नहीं लगी कि पुलिस ने हमारे आनंद भवन को चारों ओर से घेर लिया है। मैं तुरंत बैठक वाली जगह पहुंची और वहां जाकर सूचना दी, पुलिस ने आनंद भवन को चारों ओर से घेर लिया है। जो वहाँ पर अंदर बैठक हो रही थी, जो वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के कई नेता बैठे हुए थे, वहाँ पर जाकर उसने सबको खबर दी कि जो पुलिस ने है चारों तरफ से आनंद भवन को घेर लिया है।
ओके, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।